कटाएगी बेटा अच्छा से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह मॉर्निंग का क्लिप है और यहाँ पे देखिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए दिए थे, जो कि मेरा आलू बॉयल हो चुका है और मैंने सुबह का रोटी बना ली हूँ अभी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जी, आलू बॉयल किया हुआ है उसको मैं सब्जी भी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये लकड़ी का चूल्हे में बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा प्याज जो है ना वो ज़्यादा भुन गया था और मैंने टमाटर नहीं काटी थी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा रेड दिखते होंगे। और यहाँ पे देखिए मेरी आरोही मेरा कितना हेल्प करती है, और ये बेटियाँ ना कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। ये देखिए अभी मेरा जितना भी सारा काम है, बहुत कुछ छोटा छोटा काम है ना, वो खुद से अपने से अपना मर्द से मेरा काम कर देती है। बोलती मम्मा मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन पता नहीं बड़ी होगी उस टाइम करेगी या नहीं करेगी वो तो हमको नहीं पता, लेकिन अभी तो मेरा बहुत ही हेल्प कर देती है। जैसे कि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो मेरा सब्ज़ी काटने में मदद कर देती है, या तो फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो वो भी पहुँच जाती है बर्तन धोने के लिए। ऐसे छोटे छोटे काम है ना जो कि वो खुद से करती है, मैं उसको मना करती हूँ लेकिन फिर भी वो आ जाती है करने के लिए। उसके बाद ना मैं सोचे कि जरा माँ का किचन है जो कि मिट्टी का है यहाँ पे नीचे, तो सोचे कि मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई करके और इसको यहाँ अच्छे से मैं लिपाई कर देती हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा बाहर से धूल उड़ते हैं ना, तो जैसे कि बाहर में पक्के हैं तो जैसे रोज़ वैसे धुलता नहीं है बाहर में, कभी कभी सप्ते में 2 दिन या 3 दिन इस तरह करके, और भी गर्मी के दिन में तो शाम में ही खाली धुलता है। तो ऐसे ही अक्सर अभी तो बहुत ही तेज़ हवा चलते हैं ना, तो जितने भी गंदे होते हैं ना आम के पौधे का, पेड़ का और कुछ भी है उधर, तो जितने भी सारे गंदे हैं ना सब यहाँ पे घुस जाती है, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे गंदे भी दिखने लगती है। और मम्मी बोली कि ये कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करके अली पाइप पोताई की थी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे जो मैं साइड साइड में दे रही हूँ ना, तो ये वाइट वाला मिट्टी है जो कि ये अच्छा दिखता है इसको साइड साइड में देने से। और उसके बाद ना ये मैं चारों साइड कर देती हूँ। और ये छोटा सा ही किचन सिर्फ यहाँ पे है, बाद बाकी और थोड़ा सा जहाँ पे आम का पेड़ है वहाँ पे सिर्फ लिपाई करने का रहता है, तो बाद बाकी घर मम्मी का यहाँ पे सारा जगह में प्लस्तर किया हुआ है। इस तरह से मैं सारे घर को फिर ये छोटे छोटे जो चूल्हे हैं ना ये सब बहुत ही अच्छे लगते हैं, मम्मी को तो और भी ज़्यादा चूल्हा बनाना बहुत ही पसंद है। बहुत ही 3-4 ये बनाई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 चूल्हा है और एक उधर है और एक बाहर में, 3 चूल्हे मम्मी का है और छोटे छोटा काफ़ी छोटे छोटे हैं ना, तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से ना काम करने में तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलता है कि साफ़ सफाई घर रखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से अभी मम्मी तो ऐसी शक्ति नहीं है बैठने के लिए, तो मैं ही सोची कि सारा काम मैं ही अभी कर दे रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं मैंने सारा मम्मी का अभी हेल्प कर देती हूँ। तो अभी मैं अच्छे से सारी जगहों में लिपाई कर लेती हूँ मिट्टी से, वाइट वाला से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लेके आई हूँ काला वाला गोबर, और आजकल ना गोबर बहुत ही अच्छा दिखता है क्योंकि अभी तो हरे हरे घास खाते हैं ना, और भी अच्छा लगता है लिपाई करने में, हरे हरे काला काला दिखते हैं। और वो जो होते हैं ना कुछ दिन के बाद वो जो भूसे वगैरह खाते हैं ना, उससे अगर हम लिपाई करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर नहीं रहता है और देखने में भी घर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा काले दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आयुष है ना, तो वो स्ट्रॉबेरी ला दिया था वहाँ रोड साइड का घर से आरोही के लिए, तो आरोही अभी स्कूल चल गई है ना, तो इसलिए मैं अभी अच्छे से काम कर पाती हूँ। तो अगर मैं लिपाई भी करती हूँ ना वो भी कर बोलने लगती है कि मम्मी हम भी लिपाई करेंगे, तो इस तरह से ना मैं पूरे घर को अच्छे से लिपाई कर लेती हूँ।
और मुझे ना इस तरह की लिपाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, और जैसे कि वाइट वाइट दे के और गोबर से लिपाई करना, ये हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये तो गोबर का तो शुद्ध ही माना जाता है। आप कोई भी फेस्टिवल कीजिए या तो फिर कोई भी छोटा मोटा भी त्यौहार होता है, उसमें अगर आप गोबर से लिपाई नहीं करते हैं तो वो तो शुद्ध भी नहीं माना जाता है। तो ये गोबर का लिपाई तो बहुत ही शुद्ध है, घर का अगर आप अच्छे से लिपाई भी करते हैं तो बहुत ही सुंदर डिजाइन से भी इसको लिप सकते हैं इस तरह से गोबर से। और फिर यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा वहाँ पे कोना बना के और लिपाई करती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे डिजाइन में सीढ़ी सीढ़ी टाइप से बनाती हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा निकलने के लिए है ना, इसलिए मैं उस टाइप से बना देती हूँ। और फिर से दोबारा मैं घुमा देती हूँ वहाँ गोबर से। और ये अभी गोबर ना लिपाई करने में, बस अब मैं ये सब लिपाई करने के बाद नहाने धोने के लिए जाऊंगी, उसके बाद तुरंत ही सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिपाई करने के बाद कितने अच्छे दिखने लगे हैं। और यह किचन में सारे सामान को मैं ऊपर में रख दी थी, और यहाँ पे कुछ है बर्तन वगैरह तो मैं कुछ ढूंढ रही थी तो उनको मिल नहीं रहा था। उसके बाद ना आम के पेड़ के पास भी थोड़ा सा लिपाई करना है, और उसके बाद नहाने वहाने जाना है। तो फ्रेंड ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।